टू माई यूट्यूब चैनल द टेक्निकल क्लासेस। मैं गौरव कुमार आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़े हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैटर का डेफिनेशन और मैटर के पार्टिकल के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मैटर को क्लासिफाइड करेंगे कि मैटर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। तो पहला टर्म्स देखेंगे हम लोग क्या होता है, आकार, शेप। आकार क्या होता है? आकार किसी भी मैटर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर स्ट्रक्चर को बताता है, बाहरी संरचना को बताता है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं ये मार्कर, तो मार्कर का जो आउटर कंस्ट्रक्शन है, आउटर संरचना है, किस प्रकार दिखता है, आकार यही बताता है। इट मीन्स आकार जो है किसी भी पदार्थ का आउटर शेप, आउटर संरचना को बताता है। सेकेंड, आयतन, वॉल्यूम। आयतन क्या है? कोई भी पदार्थ जितना स्पेस को कंज्यूम करता है, जितना स्थान घेरता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयतन। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता क्या होता है? जब किसी भी मैटर को प्रेशर बढ़ाकर उसके वॉल्यूम को कम किया जाए तो उसको हम लोग संपीड्यता बोलेंगे। कहने का मतलब है जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाए और वॉल्यूम डिक्रीज हो, ठीक है, जब प्रेशर को बढ़ाया जाए और वॉल्यूम घटे, तो किसी भी मैटर की इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखें चार नंबर, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या आता है बच्चों? किसी भी पदार्थ का पदार्थ के घनत्व को हम लोग डिफाइन करें, यानी कि घनत्व होता है मास बाय वॉल्यूम। हिंदी में बोलेंगे प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व को स्मॉल डी या रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, घनत्व को स्मॉल डी या रो से डिनोट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। मास बाय वॉल्यूम। अब हम लोग घनत्व का यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होता है घनत्व का? यूनिट के लिए द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है बच्चों? केजी। आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। इसलिए यूनिट ऑफ डेंसिटी घनत्व का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, जिसको डेफिनेशन चाहिए। तो घनत्व किसको कहेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? घनत्व। घनत्व को स्मॉल डी या रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला हो गया मेरा द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। और जब हम लोग यूनिट निकालेंगे घनत्व का, तो यूनिट होता है मेरा केजी पर मीटर क्यूब। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पांच नंबर, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई लिक्विड यानी कि कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक। फिर से हिमांक को सुनेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, उसको उस तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? फिर से सुनेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस तापमान पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गलनांक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है या उबलने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक। क्लियर? हम लोग ये 7 बेसिक टर्म्स देखे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिफाइन करेगा आगे चलकर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मैटर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। मैनुअली मैटर को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मैटर पदार्थ पदार्थ को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एंड गैस। जनरली अगर पूछा जाए कि पदार्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ के और 2 भाग होते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है, और वो 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ नंबर मेरा हो जाएगा BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और पांचवा हो जाएगा मेरा प्लाज्मा। इस तरह से पदार्थ का कुल 5 अवस्था पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, BEC एंड प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस जो होता है जनरली हमारे नेचर में पाया जाता है, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा इसका एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम लोग एक एक करके सभी पदार्थों, सभी अवस्थाओं के गुण के बारे में पढ़ें। थैंक यू।